जय हिंद, मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, हमारा कल एक सर्वे हुआ था ग्राम पंचायत रामपुर ग्रंट पे, जिसे कहा जाता है कि ये एक छोटी मोटी विधानसभा है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 48 गांव हैं, 2100 घर है। जाहिर सी बात है, ग्राम सभा बड़ी होने के नाते कई दिन यहाँ लग सकता है पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने में। तो आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं फिर से इसी ग्राम सभा में, एक जो छोटा सा गांव पड़ता है गायघटा में हम लोग मौजूद हैं। आज यहाँ की कंडीशन हम दिखाएंगे। इस ग्राम सभा के बारे में सुना तो ये जा रहा है कि यहाँ पे पिछले कई सालों से प्रधान प्रतिनिधि तो बदले, लेकिन गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ, गांव की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गाँव में जब आप जाएंगे तो पता ये चलेगा कि हम आज के करीब 40 से 50 साल पूर्व या फिर इससे भी ज़्यादा पूर्व जो हालात हुआ करते थे गांव के, फूस के मकान या रहने की जो उन लोगों की अवस्था है, एकदम दयनीय अवस्था में लोग रह रहे हैं, वही कंडीशन बताई जा रही है। अब आपको दिखाएंगे हम आंखों देखी कि क्या है इस गांव में कंडीशन और क्यों नहीं हुआ यहां पे आज तक किसी विकास का कार्य। वहाँ पे लोग जागरूक नहीं है और इसी एक चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे हैं वहाँ के प्रधान जो भी रहे हैं। इस बारे में जब हमने हमारा सर्वे रिपोर्ट जब किया तो उसके बाद पता ये चला कि कुछ अधिकारियों के कान पे जूं रेंगी और उन्होंने इंक्वायरी के तहत कुछ, आज अभी कुछ इंक्वायरी चल रही है, जैसे कोटे का अगर मामला ले लें, उसकी इंक्वायरी अभी बैठी हुई है। अधिकारी आए हैं, एक एक जगह जाके लोगों से पूछ रहे हैं। इसी तरह की और भी इंक्वायरी होनी अभी बाकी है और अब शायद लोगों के प्रति एक जागरूकता आई है कि ऐसा भी एक ग्राम पंचायत है जिसमें ऐसे भी कुछ गांव हैं जहां पे आज तक न तो कोई आया है, न गया है, न किस तरह की कोई विकास सुविधा मिली है, ना ही विकास का कोई कार्य हुआ है। गवर्नमेंट अपना तो विकास के नाम पे हर एक योजना के तहत पूरी तरह का धन देती है, लेकिन वो धन बीच में कहाँ गायब हो जाता है, ये एक सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है हमारी पूरी टीम और इसका पूरा करेगी खुलासा। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। पता ये चलेगा कि इस ग्राम सभा में जो भी बजट खाया गया है, जितना भी धन सरकार योजना के तहत आई हुई है, उसमें कौन कौन किया है बंदरबाट, एक एक का होगा खुलासा। तो आइए देखते हैं, ये एक हैंडपम्प लगा हुआ है। ये रामपुर ग्रंट ग्राम पंचायत में जितने भी गांव अब तक हम लोगों ने देखे हैं, यहाँ जैसे कि कहा गया है कि 48 गांव है यहाँ पे, हर एक गांव की अलग अपनी विकास की कहानी है। हर एक गांव में विकास के नाम पे लोगों को लूटा और खसोटा गया है। हैंडपम्प की हालत अगर ये देख लें, न जाने कितने सालों से ये पड़ा हुआ है, इसके आया होगा रिपेयरिंग का भी। और जितने न्यू जब ये लगाया गया था, माँ जी ये जब लगा था तब इसमें कोई चबूतरा बना था कि नहीं? कितने साल पुराना है ये? कम से कम है 30-35 साल। 30-35 साल पहले का ये नल है, तब से आज तक इसका कोई रिपेयरिंग नहीं चलता था। ये कितने सालों से बंद पड़ा है? 2 साल। 2 साल से। ये रोड की हालत भी देख लेते हैं। देखिए ये पता नहीं कब से ये कच्चा रोड ही है। इस तरफ बस्ती है, आबादी है। आइए यहाँ का भी नज़ारा देख लेते हैं क्या है। माँ जी ये बताइए, आपका घर है ठीक है? ये रास्ता वस्ता नहीं बना है यहाँ पे? खड़ंजा उड़ंजा कभी नहीं लगाए? पैसा जो आया, सरकार जो धन देती है, पैसा देती है ग्राम विकास के लिए, आप लोगों को फायदा पहुंचे, कुछ विकास का काम हो, तो ये क्यों नहीं बनवाया गया ये सड़क? भैया वो हम झूठ ना बोलब, वो है रास्ता बना है और ये और काली थाने सब वजह ही वजह वजहत है। हाँ। मतलब बारिश में क्या हालत होती? बारिश में बहुत हालत होता, काली थाने ना जाए। घर के लोग कैसे निकलते हैं माँ जी? अब ऐसे निकलत है जैसे का करें। तो ये है हालत, देख लीजिए यहाँ पे ये रोड, ये आगे यहाँ पे भी कुछ आबादी है, यहाँ भी देख लेते हैं ये लोग बेचारे आते जाते होंगे। आखिर जो इतना धन आता है वो जाता कहाँ है? कागजों पे तो ये दिखा दिया गया होगा कि विकास बहुत किया है, पूरे गांव को डिजिटल बना दिया गया है, स्मार्ट सिटी जैसा बना दिया गया, लेकिन ये है स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा। ये हालांकि है माँ जी, क्या कह रहे हैं? यका कही था बरखा भरम 4 बजे नापिन है, कहा था कि कम पड़त है, नहीं बन पाए। काहे के लिए कम पड़त है? जगह यह कम पड़त है,
मतलब सड़क बनाने के लिए जगह कम है, तो जितना है उतने में क्यों नहीं बना दी गई? उतना नहीं बने हैं, काटे जगह कम बात है। अच्छा, नहरिया से नाप इसलिए कम परत है, इसलिए इसको बनाया ही नहीं बनाए देख लो। आने जाने का रास्ता है ही नहीं साहब, यहाँ कंडीशन ये देखिए, यहाँ भी कुछ घराने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हड़प्पा के हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो वाले समय में चले गए हैं। ये कंडीशन है यहाँ पे, और फिर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि हर एक ग्राम सभा को विकसित किया गया है, यानी विकास का काम इतना कर दिया गया है कि अब विकास की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। ये है कंडीशन यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये क्या कंडीशन है। गांव वाले कैसे रहते होंगे, माता जी कहाँ कहाँ बनावा खावती हूँ, आवा ही आवा यही बनाती खाती हूँ। गाँव में पैसा कितना विकास हुआ गाँव में, ये बताओ गांव में विकास उकास क्यों नहीं हुआ आज तक? वोट तो आप लोग देते रही हो, तो ये प्रधान जी का किए आप लोगों के लिए, ना तो सड़क बनाए हैं, तो कभी आप लोगों ने कुछ अच्छा, आप लोगों से मिलने भी आए कभी कि किस हाल में है? जब वोट पड़ने समय आता है तो कहते हैं कि वोट दे दो हम बनवा देंगे। कभी कोई अधिकारी भी आया है माजी? घर दिखाओ, ये देखिए माँ जी कहाँ ले जा रही हैं हमको अपना घर दिखाने। ये है इनका घर, ये भी एक घर है। अच्छा 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 जी, माँ जी बताएं आखिर ये धन रामपुर ग्रांड जो धन आया, इतना सारा पैसा सरकार खर्च कर रही है आप लोगों के लिए, तो गया कहाँ? इधर 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 मुंह करके बताइए। बना रहा घर तो सब गिरा था भैया, तुम्हारे बच्चे हैं तो कहीं जाता हम तब उठ के मर जाए। तो यह हमारा ये आपका है, कई परिवार है इसमें? हम अकेले लड़के जो बताए ना गिरत है जो वहीं पर हल जाओ घर में, तो बाबा दादा इन हमारे क्या है। नहीं तो माँ जी ये बताओ कि सरकार तो बहुत पैसा देती है हर एक ग्राम सभा को, प्रधान को पैसा आता है विकास के लिए, गांव में विकास कीजिए, जिनके पास घर ना हो उनको घर दीजिए, रहने को सड़क देते हैं कि अपने घर से निकले तो आप सड़क पे निकले, नाली निर्माण है, खड़ंजा है, ये सारी चीजें, तो ये क्यों नहीं हुई आपके गाँव? भैया का करी हम वह जो दियत है जो है देखो। एक मिनट माँ जी ये बताओ, अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ वो लगा हुआ है सोलर वोलर आप लोगों के लिए? हमारे नाम है सब लगवाए। नहीं नहीं सर, प्रधान की तरफ से नहीं कहीं नहीं लगा है? नहीं। अच्छा हैंड पंप नल जो सरकारी नल आता है वाइट वो वाला कहीं लगा है? ये नए लगाए नहीं, दूसरा लगाए नहीं, हो ही पाया मतलब आपके डिहवा पे नहीं है वो? नहीं सरकारी नल है। नहीं नहीं ये डिहवा पे लगा हुआ है, इसमें नहीं है। प्रधान के रहा माई? संतराम थे प्रधान। अच्छा तो मतलब ये गांव कौन सा है? गयघटा मतलब ये रामपुर गिरंट में आता है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी आपको कोई पेंशन वेंशन मिलती है? सरकार की तरफ से इनको कोई पेंशन मिलती है? कुछ लाभ वाभ मिलता है? तो कब मिलेगा? जब आप मर जाओगी तब मिलेगा भाई आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए सुनो कुछ ना सरकार, आप लोगों के लिए जो मतलब 60 साल औरतें हो जाती हैं या विधवा हो जाती हैं उनके लिए भी पैसा देती है, तो वो सब नहीं मिलता आप लोग? किसी का नहीं बना? किसका है ये? किसका है माई? लगा ये घर है? बैठा माई बैठा, यहाँ मुँह कह के बैठा, अरे यहाँ लंग मुँह कह के बैठा। ये बताओ ये खाना वाना बनावा तो? अच्छा तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई मरा वरा तो? अरे मर गए दादा एक जने चटाई रहे। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट भेजे थी, सरकार जो पैसा भेजे थी वो आप लोगों को नहीं मिला था कुछ सुविधाओं के? नहीं मिला। तो ये घर के लिए कहूँ कहे ना, कहाँ रह रही हैं आप? अरे यही रही था दादा का के। तो ऐसे में कैसे रहती हैं? अच्छा कुछ विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन कुछ मिलता है? कोनो पेंशन वेंशन मिलती है आपको? नहीं मिला। अरे बाप रे, यही हाल है, कुछ वही नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ भी देखते हैं भैया, वही हम वही मानवा बात। अच्छा अच्छा, इधर कोई है भैया? हाँ, ये गिरत परत बाबू है। यहाँ आप रहती हो? हाँ।
इमे कैसे रहती हो? क्या करा जाए, गिरत वाला तो बनाए दूसरे घर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपका घर है? मतलब सरकार की कोई सुविधा आपके गांव को क्यों नहीं मिली? नहीं, क्या ऐसी वजह क्या है? पता नहीं, जब मिली तब। अच्छा, ये आपके बच्चे को कुछ पोषक आहार वाहार भी सरकार देती है? बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, इन सब से उसमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं, घी या फिर दाल चावल सतुआ कुछ भी नहीं मिला कभी? ये दो बच्चे हैं। आप लोगों की ऐसी हालत है, आप लोगों ने आज तक आवाज की? आप कुछ पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी मैं जानती हूँ, मैंने जब आएगा तभी तो बताएंगे। नहीं, जैसे आप लोगों ने कभी कोई शिकायत ऑनलाइन किसी अधिकारी को ऐसा आपके गांव से किसी ने किया ही नहीं कभी? कभी नहीं। बाप रे बाप, बड़ी आज आप आए हैं तो आपसे कर आज आए हैं तो आपसे कर। अरे, इसके पहले कोई मीडिया भी नहीं आई यहाँ? नहीं। आप लोगों की ये दयनीय स्थिति जो है। अच्छा, आप लोग बारिश हो कैसे निकलते उकलते कैसे? रास्ता भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जाते हैं गाँव में, रहते हैं, भाग जाते हैं गाँव में, भाग जाते हैं यहाँ। ये है इस ग्राम सभा की कंडीशन, कैसे ये लोग रहते हैं यहाँ। वाकई आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग हड़प्पा के कल्चर में पहुँच गए हैं। वहाँ की कंडीशन अगर आज की कंडीशन से कंपेयर की जाए तो शायद यही हालत रही होगी उस दौर में लोगों के रहने की, रहवासियों की। यहाँ भी वही कंडीशन है, ना इनके लिए निकलने का कोई रास्ता है और ना ही इस गांव को कोई सुविधा दी गई है। आखिर सरकारी योजनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और आज तक किसी ने यहाँ पे आवाज़ भी नहीं उठाई, जितने भी बजट सैंक्शन हुए इन ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि ये वोट के टाइम पे इन्हीं ग्रामवासियों के वोट से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन फिर भी ये बेचारे आज भी हर एक सुविधा से वंचित रहे हैं और यहाँ तक कि इतना ये लोग दबे कुचले हुए हैं कि इनमें जागरूकता का भी अभाव बहुत ज़्यादा है। इनमें पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं कि अपनी आवाज़ों को कहाँ उठानी है, कहाँ किस अधिकारी के सामने किसके समक्ष पेश करनी है, कहाँ शिकायत करनी है, ये तक इनको नहीं पता है। ये है इस ग्राम सभा की कंडीशन, इस गांव की कंडीशन। तो आपने देखा ग्राम पंचायत रामपुर गिरंट यानी कि छोटी विधानसभा में जितने भी गांव हैं, इन 48 गांव में एक दो गांव का सर्वे जो हमने दिखाया आपको, इसमें पता ये चला है कि वाकई में ऐसी कंडीशन है जो हमको कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है हड़प्पन कल्चर से। उस दौर में जिस तरह के लोग रहवासी हुआ करते थे गांव वगैरह में, फूस के मकान में रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, ना खाने को प्रॉपर वे में उनके पास अनाज है, ना खाना है और ना ही अच्छे वस्त्र हैं, उसी पुराने सभ्यता की कंडीशन में वो लोग आज भी जी रहे हैं। रोड निर्माण नहीं है, नाली निर्माण नहीं है, हालांकि धार्मिक स्थल पे जाने के लिए भी उनके पास कोई भी अच्छी जगह नहीं है। वो लोग खुद बता रहे हैं कि बरसात के सीजन में पानी में करीब दो दो तीन तीन फीट घुस के जाना पड़ता है, कीचड़ में घुस के जाना पड़ता है। ये यहाँ की दयनीय स्थिति है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा जो बजट गवर्नमेंट देती है एक ग्राम सभा के विकास के लिए, वो बजट जाता कहाँ है, इसमें कौन कौन शामिल होगा? ये लगातार सवाल बना हुआ है और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेके जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ।